हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल माय नेम इज डॉक्टर सांचित और आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनगोइंग सीरीज रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज और हम पहुंच गए हैं टेस्ट नंबर फाइव में जहां पे हम हर वीडियो में सेवन टू एट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करता हूँ आई होप आपने टेस्ट नंबर वन टू फोर देख लिया है अगर नहीं देखा है तो प्लीज यू कैन विजिट ऑल दो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर फाइव और ये है आपका क्वेश्चन नंबर वन आर्ट एंड कल्चर पोर्शन से इंडियन पेंटिंग द टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर इज नोन एज देखिए पेंटिंग की बहुत सारी टेक्निक होती हैं म्यूरल पेंटिंग है जब आप हार्ड सरफेस पे वॉल्स पे पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं उन पेंटिंग्स को म्यूरल्स बोला जाता है म्यूरल्स ओके okay. तो यहां पे पूछा गया है कि उस टेक्निक को क्या बोलते हैं जब आप दीवार पे आप फ्रेश लाइम प्लास्टर लगाते हैं और उसके ऊपर आप कलर्स इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपके ऑप्शन हैं फ्रेस्को काउशे टेम्परा एंड क्यूबिज्म तो दिस इज़ योर ऑप्शन आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन का जवाब है ए ओके okay, सो so, सही जवाब है ए फ्रेस्को फ्रेस्को क्या है तो अब उसमें आप सिंपली क्या करते हैं पहले आप प्लास्टर की एक लेयर लगाते हैं जब वो वेट है जब वो गीला है तब आप उसी टाइम पे उसमें पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही आपका प्लास्टर सूखता है उसी तरह आपका कलर भी सूखता है और वो परमानेंट बन जाता है और इस तरह की पेंटिंग्स और टेक्निक आपका अजंता केव्स में यूज किया गया है और इस टेक्निक को बोला जाता है फ्रेस्को फ्रेस्को में आप एक चीज और ध्यान रखना कि कोई भी बाइंडिंग और एडेसिव मटेरियल एड ऑन नहीं किया जाता कि आप पहले उसमें गम डालें ठीक है फिर आप उसको घोलें और फिर लगाए ऐसा कुछ नहीं होता सिंपली आप वेट प्लास्टर लेते हैं उसके ऊपर कलर्स करते हैं फिर सेकेंड टेक्निक है टेम्परा टेम्परा में क्या होता है कि ड्राई पिगमेंट लिया उसमें आप टेम्परिंग होता है छेड़छाड़ करना टेम्परिंग। तो वहां पे आप एडिजिव मटेरियल डालते हैं तो जिससे वो घोल बन जाता है फिर आप उससे पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं थर्ड इज गौशे गौशे में क्या होता है कि आप वाइट पिगमेंट कोई भी ऐड करते हो वाटर कलर में या गम ऐड करते हो फिर आप उसको पेंट यूज करते हो और क्यूबिज्म एक तरह का टेक्निक है पाब्लो पिकासो ने यूज किया था जिसमें आप ट्राइंगल्स को यूज करते हो तो ये आप देख सकते हैं ये वाला पेंटिंग दैट इज क्यूबिज्म का एग्जाम्पल है इसमें आप ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को यूज करके पेंट करते हैं और ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं दैट इज अजंता पेंटिंग्स हजारों साल हो चुके हैं इस पेंटिंग को और जो इसके कलर्स हैं वो अभी के ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश है बिकॉज यहां पे टेक्निक कौन सा यूज किया गया फ्रेस्को टेक्निक यूज किया गया तो दैट वॉज आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव लेट ब्रिटिश टू वेज वॉर्स विद अफगानिस्तान ब्रिटिश की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हुई उनको आप बोलते हैं एंग्लो अफगान वॉर्स टोटल तीन वॉर्स हुई हैं आपके और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे आप सबको पता ही होगा आई में बड़ा ही फेमस लाइन यूज किया जाता है अफगानिस्तान को बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर बहुत बड़े बड़े एम्पायर आए रशिया यूएस इंग्लैंड लेकिन वहां कोई भी अपने आप को परमानेंटली नहीं कर पाया इसलिए अफगानिस्तान को बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायरस दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर को हराया रशिया यूएस इंग्लैंड एंड सो तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं पहला स्टेटमेंट इट सर्व एज अ बेस फॉर सेंट्रल एशिया इन देयर इन देर क्वेस्ट फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन दैट इज अ स्टेटमेंट नंबर वन टू चेक फ्रेंच मिलिटरी इंफ्लुएंस तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं देखते हैं ए दैट इज सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्यों स्टेटमेंट नंबर वन इसलिए सही है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अफगानिस्तान जाना इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वहाँ पे आपका रशिया एग्रेसिव हो रहा था तो वो रशिया एग्रेसिव हो रहा था तो आपका सेंट्रल एशिया से आपको सपोर्ट चाहिए था तो रशिया को डिफीट करने के लिए कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान का सोचा अफगानिस्तान में वहां पे ट्राइबल वॉर लोड्स रहते थे तो उन्होंने उनके साथ लड़ाई करी जो कि आपका तीन आपका एंग्लो अफगान वॉर्स में बाहर आता है दैट इज वाई स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट अब स्टेटमेंट नंबर टू अपने आप ही गलत हो गया क्योंकि इट वॉज नॉट एंग्लो फ्रेंच एंग्लो जहां वर्ड आए तो वो ब्रिटेन या इंग्लैंड से यूज किया जाता है तो इट वॉज नॉट एंग्लो फ्रेंच ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच की कॉन्फ्लिक्ट नहीं था इट वॉज एंग्लो रशियन राइवलरी जो आपका मेन कॉज बनता है ब्रिटिश का अफगान में एंट्री लेने के पीछे तो दैट इज एंग्लो अफगान वॉर्स तीन हुई हैं 1839 टू 42, 1878 टू 80, 1919 अब तीनों पढ़ सकते हैं एंड ब्रिटेन ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया इंडिया में बट बाहर भी और एशियन कंट्रीज में भी उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था क्वेश्चन नंबर थ्री विद रेफरेंस टू ट्राई स्ट्रगल ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन बिलो इज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई डाइवल हिस्ट्री ट्राइपार्टल स्टेटमेंट इट वॉज बिटवी प्रतिहारा राष्ट्रपुता एंड पाला डायनेस्टी सेकेंड इट वॉज फॉट फॉर द सिटी ऑफ पाटली पुत्र इन द गंगा वैली ये दो आपके स्टेटमेंट्स हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है बहुत सेंचुरी तक चला था ये तो आपको पता होना चाहिए किसके किसके बीच में हुआ था क्यों हुआ था द राइट आंसर इज ए सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है दूसरा गलत है क्यों तो यहां पे सिंपल है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि उसने बताया ट्राई पार्टाइट अगर आप ट्राई पार्टाइट का मतलब देखें ट्राई मीन्स थ्री एंड पार्टाइट मीन्स पार्टीज तीन पार्टीज के बीच में आपका ये स्ट्रगल हुआ था और वो कौन कौन सी थी एक तरफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गुर्जर प्रतिहारा ओके दूसरी तरफ ईस्ट से आपका पाला एम्पायर और तीसरी तरफ आपका जो है जो साउथ है वहां से राष्ट्र कुत्ता एम्पायर तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर वन ठीक है क्योंकि ये जो स्ट्रगल हुआ तीन पार्टीज के बीच में हुआ कौन कौन सी पार्टीज हैं गुर्जर प्रतिहारा पाला एंड राष्ट्रकुता स्टेटमेंट नंबर टू गलत है क्योंकि युद्ध जो हुआ जो स्ट्रगल जो चला वो पाटलिपुत्र के लिए नहीं था वो कन्नौज के लिए था कन्नौज उस समय में आपका बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे था तीनों पार्टी चाहती थी कि हम कब्जा कर लें कन्नौज के ऊपर तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ लड़ रही थी तो कन्नौज रीजन था पाटलीपुत्र नहीं रीजन दैट वॉज क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर एंशियंट हिस्ट्री से इन एंशियंट ऋग्वेदिक पीरियड टर्म फ्रीक्वेंटली। एंशियंट ऋग्वेदिक टर्म यूज की गई है गविष्टी और पूछा गया है इसका मतलब क्या है वॉर इन ऋग्वेदिक पीरियड ऑफिसर हु ओवर पैस्र ग्राउंड हेड ऑफ द फैमिलीज इन द वैदिक पीरियड या इनमें से कोई भी नहीं तो आपको यहाँ पे पूछा गया है गविष्टी के बारे में गविष्टी का मतलब क्या है बहुत ही सिंपल है अगर आपने ऋग को अच्छे से पढ़ा है तो ये इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर देखते हैं ए वॉर इन ऋगवेदिक पीरियड को गविष्टि बोला जाता था कैसे देखिए देखिए ऋग्वेदिक जो लोग थे आर्यस जो थे आपके पेस्टोरल थे मतलब कैटल को आपको चराने वाले थे तो उनके लिए कैटल काओ बहुत इंपॉर्टेंट था तो अगर कोई उनके कैटल को चुरा लेता था काओ उसको ले जाता था तो उसके लिए वो युद्ध करते थे इसीलिए उसको गविष्टी बोला जाता है और अगर काओ के लिए ना भी लड़ रहे हो तो फिर बाद में जाके जनरल टर्म आपका गविष्टी बना दिया गया तो इसका आंसर है गविष्ट सर्च फॉर काउस और वॉर फॉर काउस अब दूसरा ऑप्शन था उसके बारे में बता देता हूं कि वो इंसान वो ऑफिसर जिसका अधिकार था लैंड पे उसको व्रजपति बोला जाता है व्रजपति ना के गविष्टि व्रजपति कौन है जो पाश्चर लैंड पे अथॉरिटी रखता था तीसरा फैमिली का जो हेड है उसको कुलप कुलप बोला जाता था और फाइटिंग होर्ड्स का जो हेड है ग्रामीणी बोला जाता था तो आप एक क्वेश्चन से चार टर्म सीख रहे हैं गविष्टी व्रजपति कुलप एंड ग्रामीणी अब यहां पे फिर से आपको बात बता देता हूं ये आपको खुद से करना है टू डू प्लीज रिमेंबर एंशियंट एंडल हिस्ट्री से टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी और साथ ही साथ जब भी आप वैदिक एज पढ़ें तो वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज तो जब भी पढ़ें आप वैदिक एज चैप्टर तो कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़ें कंपेयर करें अर्ली वैदिक एज में क्या था विद लेटर वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज में क्या था विद योर अर्ली वैदिक एज रिलीजन सोसाइटी पॉलिटी एंड सो ऑन तो हमेशा कंपैरिजन करके पढ़ना है आपको वैदिक एज को आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये बहुत ही फैक्चुअल और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है मैंने आपको बताया है कि मॉडर्न इंडिया से स्पेशली आपका क्रोनोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके यहां पे तीन रेबेलियंस के नाम लिखे गए हैं संथल इंडिगो रिवोल्ट एंड मापिला आउटब्रेक तो आपसे पूछा गया है कि इन तीनों को अरेंज करें कि सबसे पहले कौन हुआ था और एंड में कौन सा हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाने के लिए बोला गया है आंसर इज ए दैट इज वन टू थ्री सबसे पहले संथल रेबेलियन हुआ उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट हुआ और फिर एंड में आपका मापिला ब्रेक हुआ आउट ब्रेक हुआ देखते हैं संथल रेबिलियन आपका 1854 में हुआ था 1857 के रिवोल्ट से पहले फिर उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट हुआ बंगाल और बिहार में 1859-60 में और अंत में आपका मापिला आउटब्रेक होता है मालाबार कोस्टल रीजन में 1862 से 1880 तक चला आंसर so ये थोड़ा सा डिफिकल्ट uh, uh, आपका क्वेश्चन है बिकॉज ट्राइबल एंड पीजेंट अपराइजिंग बहुत ज्यादा हुए हैं और उनका डेट याद करना क्यों हुआ कहाँ हुआ कौन लीडर था थोड़ा डिफिकल्ट है बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से तो अगर आपको औरों से आगे जाना है ज्यादा नंबर लाने हैं मार्क्स लाने हैं प्रिल्स क्लियर करना है तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से करना पड़ेगा बिकॉज अगर सामने वाला नहीं करके आ रहा क्योंकि डिफिकल्ट है लेकिन आपको पता है कि मुझे करना है और मेरे को एडवांटेज मिलेगा तो प्लीज प्लीज यहां पे आपको मैं टू डू लिस्ट में ऐड करवाने के लिए बोल देता हूं ट्राइबल एंड पीजेंट अपराइजिंग जरूर करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट फर्स्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इट रिफ्रेड फ्रॉम एडवोकेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अपनी फ्रीडम स्ट्रगल पे कंसंट्रेट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम एशिया अफ्रीकन कंट्रीज की इंडिपेंडेंस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे तो इस स्टेटमेंट गलत है या सही है इट ऑलवेज अपोज द यूज ऑफ इंडियाज आर्मी एंड रिसोर्सिस टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट इन एफ्रीका एन एशिया इन प्रोटेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्मीशियपोर्टेड द फास्टिस्ट गवर्नमेंट इन जपैन जर्मनी इटली मुसोलोनी देव गॉट हिटलर क्या इनको सपोर्ट किया था या नहीं किया था तो यहां पर देखते हैं आंसर क्या है थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन uh, है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है इसमें द आंसर इज सी दैट इज ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट आइए देखते हैं क्या है स्टेटमेंट नंबर वन इसलिए गलत है। Congress ने आपका अपनी foreign policy जो बनाया, उसने imperialism को oppose किया था। अब ब्रिटिश का इंपीरियलिज्म बनाना अपनी कॉलोनीज बनाना एंड सो ऑन तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया कि हम ब्रिटिश को अपोज करेंगे और उन देशों में और एशियन और अफ्रीकन एफ्रिक, कंट्रीज में जहां पे वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं तो हम उनको भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि इससे कलेक्टिवली आपका ब्रिटिश को, ब्रिटिश को वीक होगा तो ब्रिटिश जब वीक होगा तो वो इंडिया को लीव करके चला जाएगा एंड सो ऑन सो दैट इज वाई स्टेटमेंट नंबर वन इज इन स्टेटमेंट नंबर टू इज करेक्ट बिकॉज कांग्रेस ने हमेशा से इंडियन आर्मी और इंडियन रिसोर्सिस को यूज करने से मना किया अफ्रीका एंड एशिया में उनको ये लगता था ये बर्डन डालेगा हमारे इंडियन एक्स चेकर भी और अगर ह्यूमैनिटी के पर्पज से भी देखें तो कांग्रेस ने हमेशा बोला कि आप हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन रिसोर्सेज को मत यूज कीजिए अपने इंटरेस्ट के लिए अफ्रीका एंड एशिया में फिर आता है लास्ट स्टेटमेंट वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा नहीं था कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि हमने कांग्रेस ने आपका फासिज्म को को सपोर्ट कर दिया, को सपोर्ट कर कर दिया, दिया, हिटलर मुसलोनी को सपोर्ट किया हमने शुरू से ही फासिज्म को कंडेम किया था और इटली जर्मनी जापान जो आप एग्रेसिव बन रहे थे इंपीरियलिज्म से आगे एक स्टेप थे इंपीरियलिज्म भी एक तरह का Uh, अपने एम्पायर को बढ़ाना ही है लेकिन फासिजम उससे भी एक स्टेप आगे चला जाता है तो यहां पे आपका फासिज्म को शुरू से ही कंडेम किया था जर्मनी जापान इटली को शुरू से ही कंडेम किया था कांग्रेस ने सो दैट इज क्वेश्चन नंबर अब बारी आती है टेस्ट नंबर फाइव के लास्ट क्वेश्चन की विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ जिन्नाटीन डिमांड्स जिन्ना ने अपनी चौदह डिमांड रखी थी और वो जा कहलाती हैं जिन्नाज फोर्टीन डिमांड्स अब आपको 14 के 14 याद होना चाहिए क्योंकि जंबल अप करके क्वेश्चन आ सकता है कि 14 में से चार दे दिए तो आपको पता है या नहीं पता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडल पावर टू प्रोविंसेस वन थर्ड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर तो ये क्या चौदह डिमांड्स का हिस्सा था या नहीं थे ये तभी सॉल्व होगा जब आपको चौदह की चौदह डिमांड्स याद होंगी तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है डी वन टू थ्री फोर यहां पे जो मैंने चार डिमांड्स लिखी हैं चारों की चार आपके फोर्टीन डिमांड्स का पार्ट थी तो आइए एक बार देख लेते हैं प्रोविंशियल ऑटोनमी अपने प्रोविंसेस को आपका आजादी होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन जो रेजिडल पावर है एक्स्ट्रा जो आती है कि जिन्ना ने जब अपनी डिमांड्स रखा तो उन्होंने स्ट्रेस किया कि प्रोविंस के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और ये भी उन्होंने बोल दिया कि आपका जो कोई भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहेंगे वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका स्टेट्स उसको हा ना बोल दें उसी तरह आपका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन सर्विसेज जितनी भी सर्विसेज हैं प्रेस्टिजियस उनमें मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेशन थर्ड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी उसके साथ साथ सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे की बात करी और फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप यहां पे देख सकते हैं चौदह के चौदह डिमांड्स और याद कीजिए समझ के याद कीजिए उसको अच्छा अगर जिन्ना है तो वो आइडियोलॉजिकली किस तरफ थे तो वो क्या डिमांड कर सकते हैं तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा डिमांड्स तो ये था आपका टेस्ट नंबर फाइव आई होप क्वेश्चन आपको सही लगे यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इफ नॉट एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको आंसर समझ में आया और आगे चल के आप गलती नहीं करेंगे so नंबर और आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू प्रिंसिविल सर्विसेज प्लीज नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी आप यहां पर वीडियो आता है तो आपको पता चल जाए सो दैट यू कैन वॉच दैट वीडियो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग अदर वीडियोज एज वेल थैंक यू